अगर पति पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाता है तो क्या ये 498 डोरी केस की मेंटल क्रूल्टी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जी हाँ, इसी पे एक लेटेस्टिंग कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला और इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकेंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2019 में पति और पत्नी की शादी होती है, ठीक है। उसके बाद में पत्नी ने 2020-21 में जाके केस करती है कि भैया मेरा पति के बीच में, मेरे बीच में किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल संबंध नहीं है। जी हाँ, क्योंकि कोई पति क्या करता है कि उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रहा, मान लीजिए। अब इसको पत्नी चाहती है कि साहब मेरे को ये क्रिमिनल मेंटल क्रूल्टी की कैटेगरी में माना जाए कि साहब मेरे साथ मेंटल क्रूल्टी हो रही है। देखिए इसका बात सही है, यहाँ पे पत्नी 498 का केस करती है, साथ में डाइवोर्स का केस करती है कि साहब पति संबंध नहीं बनाता, इस वजह मेरे मेंटल क्रूल्टी हो रही है और साथ में दहेज में भी मेंटल क्रूल्टी मानी जा रही है। अब ये मामला FIR के बेस में हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट यहाँ पे मानता है कि भाई देखिए 498 एक ही डेफिनेशन आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसने अब उसके पति के माँ बाप का भी नाम एक ऐड किया, ठीक है, उसमें साथ में रिश्तेदारों का नाम भी ऐड किया और उसके पति का नाम ऐड किया। पति का तो कॉमन होता है कि पति को तो ये गिफ्ट में मिल ही जाता है शादी के बाद में। अब ऐसी कंडीशन में भैया उसको हाई कोर्ट में जब QCRPC 482 में डाला गया तो वहाँ पर देखा गया कि भाई देखो, अच्छी बात है अगर पति आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रहा है, संबंध आप दोनों के बीच में नहीं बन रहा, तो ये मेंटल क्रूल्टी मानी जाएगी डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए मानी जाएगी, नहीं ना कि 498 यानी क्रिमिनल मेंटल क्रूल्टी नहीं मानी जाएगी। इसमें कुल मिलाकर ये बात होती है कि भाई क्या अगर पति पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाता है तो 498 की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा डाइवोर्स की कैटेगरी में। जी हाँ, इसके आधार पे आप डाइवोर्स ले सकते हो। तो पति के खिलाफ जो 498 केस बनाया गया था, अब देखो इससे क्लियर साबित हो जाता है कि भाई पति और पत्नी के बीच में संबंध नहीं है। तो इसमें देखो, घर वालों ने तो उसको उकसाया नहीं किसी तरह से, मेंटल हरासमेंट उसका किया नहीं, किसी तरह की कोई डिमांड की नहीं है। ये मामला है पति और पत्नी का। तो जो पारिवारिक नाम इसमें ऐड किए गए थे दोस्तों, उनको भी खारिज कर दिया और पूरी जो टोटली पूरी 498 की FIR थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब बत्ती यहाँ पे बात, हाई कोर्ट ने बोला कि भाई आप इसके आधार पर डाइवोर्स ले सकते हो, अगर आपका पति आपके साथ संबंध नहीं बना रहा तो ऐसी कंडीशन में आप इससे डाइवोर्स ले लीजिए। क्योंकि जब खुद ही सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बोल रखा है कि भाई जब पति और पत्नी के बीच में कोई संबंध नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई फिजिकल संबंध नहीं है, तो फिर शादी एक अधिशाप होती है। इस वजह से संबंध बनाना बहुत जरूरी है। बाय चांस पत्नी भी अगर आपके साथ संबंध नहीं बनाती तो ये मेंटल क्रूल्टी आधार होता है, इसके आधार पे आप डाइवोर्स आसानी से ले सकते हो। उसी प्रकार से अगर पत्नी के साथ पति संबंध नहीं बना रहा है तो पत्नी भी आसानी से इसे डाइवोर्स ले सकती है। लेकिन ये किसी भी प्रकार से कोई भी उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा जिस कैटेगरी में आप चाहते हो कि साहब इसके आधार पे हमें 498 का केस कर दिया जाए। तो 498 केस इस पर बनेगा नहीं किसी भी प्रकार से। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है आपके बीच में तो आप इसके आधार पे डाइवोर्स ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पति पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाता है तो पत्नी डाइवोर्स लेने के हकदार है, लेकिन ये फालतू के केस जो 498 वगैरह केस है इसकी कोई हकदार नहीं होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।